दोस्तों पुराने सिनेमा घरों में बहुत अलग तरह की फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तरक्की हुई पर अब आपको VFX की मदद से ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। आज हम फिल्मों में यूज होने वाले VFX से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, एवेंजर एंड गेम। दोस्तों ये मूवी 2019 के मिड में रिलीज हुई थी और ये उस वक्त की सबसे बेहतरीन मूवी थी जिसने सब मूवीज को पीछे छोड़ दिया। मगर जरा इसके सीन्स को बगैर VFX के देखें। ये बेहतरीन फाइटिंग ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट की गई है। जरा सुपर हीरोज की एंट्री देखें, इसे कैसे बनाया गया। और एवेंजर लड़ाई के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं इतनी बड़ी आर्मी के साथ, ये VFX का कमाल है। उस वक्त कोई आर्मी नहीं थी, बस 6 लोगों को दौड़ाया गया और सीन बन गया। जरा अब कैप्टन अमेरिका का हैमर पकड़ने वाला ये सीन देखें, इसमें इन्होंने बस अपने हाथों को घुमाया और सीन बन गया और ऐसे लगा जैसे उड़ते हुए हैमर को पकड़ा हो। नंबर 2, लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों इस मूवी को काफी अवार्ड मिले और इसी तरह इसे बनाने में काफी मेहनत लगी। इसमें समंदर के अंदर शेर को एक नाव पर दिखाना काफी मुश्किल था और इसके लिए ताइवान में एक बड़ा टैंक बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ जेनरेटिक टैंक वेव था। इसमें ही सारी मूवी बनी। इसमें कोई शेर नहीं था, शेर को VFX के जरिए दिखाया गया और लहरों को दिखाने के लिए पंप के साथ प्रेशर से पानी छोड़ा गया और इस तरह फिल्म का हर सीन लोगों को रियल लगा। नंबर 3, हैरी पॉटर। दोस्तों हैरी पॉटर भी एक कमाल की मूवी है। इसमें जो जादुई दुनिया दिखाई जाती है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और असल मजा तब आता है जब हैरी और उसके दोस्त एक झाड़ू पर बैठकर उड़ते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं जरा यहाँ देखें। ये ग्रीन स्क्रीन और VFX का कमाल है जिसकी मदद से ऐसा दिखाया गया जैसे वो लोग रियल में उड़ रहे हैं। इसमें ना ही एक्टर कहीं उड़ता है और ना ही कैमरामैन, बस वो एक जगह बैठे रहकर इतने अच्छे सीन बना लेते हैं। इस मूवी में जब हरमाइनी बुक्स रखने के लिए इसे हवा में छोड़ देती है तब भी कोई जादू नहीं होता, बल्कि वहां पर एक आदमी ग्रीन ग्लव्स पहनकर बुक को पकड़ लेता है और ये सारी मूवी इसी तरह बनी है। दोस्तों नंबर 4, द ट्विलाइट सेगा। दोस्तों ये मूवी भी सबसे कमाल है। इसमें भेड़ियों के साथ इंसानों का प्यार दिखाया गया है। इसमें एक भेड़िया होता है जिसका करेक्टर जैकब के नाम से है और फीमेल होती है जिसका नाम बेला होता है, वो इसकी दोस्त होती है। इस फिल्म में सीन में बेला भेड़िए के पास खड़ी होती है मगर असल में वहाँ भेड़िया नहीं होता, वहाँ वही एक्टर जैकब होता है जिसकी मदद से ये सारा सीन तैयार किया जाता है और ऐसा लगता है कि ये सब रियल है। नंबर 5, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7। दोस्तों आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा होगा, ये काफी मशहूर सीजन है और सीजन 7 को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इसकी वजह इसमें मौजूद स्टोरी और दिखाए गए सीन्स हैं। आपने इसमें बड़े बड़े ड्रैगन्स को तो देखा होगा, ये सब कैसे दिखाए गए ये सोचकर हर कोई हैरान रह जाता है। जरा ये सीन देखें, इसमें बोट के आसपास काफी सारे ड्रैगन हैं। आपको बता दें कि ये सीन ग्रीन स्क्रीन में बनाया गया और वहाँ ड्रैगन की जगह ब्लू पत्थर थे और फिर VFX की मदद से बड़े बड़े ड्रैगन दिखाए गए जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता है। नंबर 6, वेनम। टॉम हार्डी को तो आप जानते होंगे, इनकी मूवी सबसे मुख्तलिफ होती हैं। इन्होंने स्पाइडरमैन मूवी में वेनम का करेक्टर किया, ये काफी मुश्किल था क्योंकि इसकी बॉडी और सब कुछ इंसानों की तरह था मगर एक्शन बेहद मुख्तलिफ थे और इन्हें ये करने में काफी मेहनत लगी और इसको करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर बाल की तरह का ऑब्जेक्ट लगाया ताकि जब VFX लगाया जाए तो हाइट बढ़ाने में कोई मुश्किल ना हो और उन्होंने ये अच्छे तरीके से कर दिखाया।
नंबर 7 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। दोस्तों आप जानते हैं एवेंजर जैसी मूवीज में जहां एक्टर कमाल दिखाते हैं वहीं VFX टीम भी अपनी महारत के जौहर दिखाती है। जैसे इस फिल्म में विलियम जेम्स थे, उन्होंने अपना कैरेक्टर करने के लिए एक स्पेशल सूट डिजाइन करवाया और उसे पहनकर जब ये रोल किया तो सब कुछ अच्छे से हो गया और उनके चेहरे पर 600 डॉट्स भी बनाए गए ताकि इनके कैरेक्टर के फेस को अच्छी तरह दिखाया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक्टर मेहनत करते हैं और फिर जाके ये मूवी हिट हो पाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।